स्वागत है आपका कारदेव के यूट्यूब चैनल पे और हमारे अपकमिंग कार लॉन्चेस के एक नए एपिसोड पे। इस महीने कई सारी इंपॉर्टेंट लॉन्चेस हैं और उसी के साथ हम कई सारे नए इलेक्ट्रिक कंसेप्ट्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, जानते हैं अगस्त के महीने में कौन कौन सी गाड़ियां हम देखने वाले हैं। Hyundai Tucson को एक कंप्लीट जनरेशन अपडेट दिया है जो बनाती है इसे ज्यादा रिच और स्टाइलिश। Tucson के साथ कई सारे प्रीमियम फीचर्स भी दिए हैं, जैसे कि ADAS और दो 10.25 इंच के डिस्प्लेस। पहले जैसे आपके पास पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। ये कम्पीट करेगी Volkswagen Tiguan, Jeep Compass और Citroen C5 Aircross से। इसके बुकिंग्स तो वैसे चालू है और इसके प्राइसेस एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। टोयोटा ने हाई राइडर के साथ कम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक धमाकेदार एंट्री मारी है। ये जाती है किया सेल्टॉस, एमजी एस्टर, स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगुन और हुंडई क्रेटा के मुकाबले। लेकिन हाई राइडर के साथ आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है, जो ये बाकी सारी एसयूवीज में नहीं मिलता है। वैसे तो इसकी बुकिंग्स चालू है और इसकी प्राइसेस एक्सपेक्टेड है कि 16 तारीख को आ जाएंगी। हाई राइडर का हमारे डिटेल्ड हिंदी वॉक अराउंड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे लाइव है, तो उसे जरूर देखिएगा। मारुति की सबसे किफायती गाड़ी ऑल्टो को ऑलमोस्ट 10 साल के बाद एक बड़ा अपडेट मिलने वाला है और इसी अपडेट के साथ ऑल्टो थोड़ी सी ज्यादा स्टाइलिश दिखेगी और थोड़ी सी बड़ी रहेगी। पहले की तरह ये रेनो क्विड से मुकाबला करेगी, लेकिन एक मॉडर्न और पॉसिबली फीचर रिच अवतार में। पेट्रोल, CNG और AMT गियरबॉक्स इस पे एक्सपेक्टेड है। नई ऑल्टो के प्राइसेस हमारे अंदाजे से आ जाएंगे थर्ड वीक ऑफ अगस्त में। महिंद्रा इस इंडिपेंडेंस डे पे 5 नई इलेक्ट्रिक कंसेप्ट्स दिखाने वाला है। इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को महिंद्रा बॉर्न ईवीज बुलाता है और इनकी खासियत यह है कि ये पांचों गाड़ियों के कभी भी कोई पेट्रोल या डीजल वर्जन लॉन्च नहीं होगा। इंडिपेंडेंस डे पे ओला भी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कंसेप्ट शोकेस करेगा। वैसे तो ओला ने 3 गाड़ियां ऑलरेडी टीज कर दी है, जिसमें से एक हैचबैक, एक बड़ी सेडान और एक कूपे स्टाइल एसयूवी है। क्या आप ओला के इलेक्ट्रिक कार्स के लिए एक्साइटेड है, बताइए मुझे कमेंट्स में। लग्जरी कार्स की ओर देखें तो मर्सिडीज एस क्लास का इलेक्ट्रिक वर्जन लेके आ रहा है इंडिया में। मर्सिडीज बेंज EQS के प्राइसेस अनाउंस हो गए 24 अगस्त को। पहले ही AMG वर्जन में आएगी इंडिया में, जो ऑफर करती है 586 किलोमीटर का रेंज और 1000 Nm टॉर्क से भी ज्यादा। तो यही थी सारी गाड़ियां जो हम देखने वाले हैं अगस्त के महीने में। आप कौन सी गाड़ी के लिए रुके हैं और एक्साइटेड है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।